जासपुर में बना मीट प्लांट बंद नहीं हुआ तो जासपुर, ककराली, नटवाल गांव सहित आसपास के गांव के पंच सरपंच त्याग पत्र दे देंगे। ये कहना है पंचकुला के रायपुर रानी के गांव के सरपंचों का। पंचकुला के रायपुर रानी के जासपुर में मीट प्लांट को बंद करवाने के लिए ग्रामीण अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। जिला परिषद के सदस्य फोमलाल, जासपुर से सरपंच मनीष शर्मा, रमेश राणा, रमेश शर्मा सहित 5 ग्रामीण अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के लोगों ने मीट प्लांट बंद करवाने के लिए रोष मार्च निकाला। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने कल सभी पत्रकारों के माध्यम से सरकार को आगाह किया था कि हम कल से अनिश्चित अनशन के ऊपर बैठेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, और उसी प्रारूप को आज आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मनीष जी सजादपुर समाज से भी जासपुर और हमारे रमेश जी ककराली से, रमेश भाई कांग्रेस कार्यकर्ता हैं ककराली से, और रमेश कुमार नटवाल से हम 5 साथी अनिश्चित अनशन पर करेंगे लगातार, जब तक इस डूंगी बैरी सरकार की इस बुचड़खाने को बंद कराने के प्रति कोई फैसला नहीं लेती। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महासचिव मनवीर कौर गिल भी अनशन स्थल पर पहुंची। बता दें मीट प्लांट के विरोध में ग्रामीण रोड शो भी निकाल रहे हैं और जिला प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। कोई समाज हो, कोई वर्ग हो, जो कोई नेता हो, जब भी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं वो वैसे ही दुखदायी होते हैं, क्योंकि वो अपना हक मांगने के लिए उनको अनशन करने पड़ते हैं, वैसे ही बहुत बड़ी बदनसीबी। आज जासपुर का ये चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी, मैं 15 दिन से जैसा आप सब जानते हो ऑटो स्टेशन थी, कल रात ही आई हूँ। ये बड़ा ही, इस घटना की मैं जितनी भी निंदा करूँ उतनी कम। पहले ही ये जो एरिया है ये मक्खियों की समस्या को जूझ रहा है, क्योंकि मेरा अक्सर आना जाना रहता है प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, लगभग हर गाँव में हर परिवार के साथ रिश्ता साधने का मैंने प्रयास किया है, और जब भी कोई समस्या आई उसको भी पार्टी की तरफ से भी और मैंने अपने पर्सनल रिश्ते से भी लोगों के साथ जो बनाए हैं उनसे दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन ये जो जासपुर का ये स्लॉटर हाउस बन रहा है इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। वैसे तो ये जो मुद्दा है हम लोग पार्टी लेवल से ऊपर उठकर इसमें साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पारिवारिक मसला है ये मैं कह सकती हूँ। तो इस स्लॉटर हाउस को हम लगने नहीं देंगे। अगर सरकार सोचती है, ये जो ग्रामीण है, पंच सरपंच बैठे हैं, जिला परिषद मेंबर बैठे हैं, सरकार को मैं आज आपके माध्यम से चेतावनी भी देना चाहती हूँ कि इनको आप कमज़ोर मत समझो। हम जासपुर में स्लॉटर हाउस नहीं बनने देंगे, ये आज प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ। और ये जो लोग आज अमरन अनशन पर बैठने लगे हैं ये सरकार की कमज़ोरी है। आज अगर पंच सरपंचों को ऐसा अनशन कर रहा है तो ये दिखा रहा है कि सरकार नाम की यहाँ चीज़ है। कल हरियाणा में महिला कांग्रेस की अध्यक्षा आई थी और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा आई थी, वो मोरनी गई थी क्योंकि एक महिला के ऊपर जो अपराध हुआ है मैं उस बारे में बोलना नहीं चाहती, क्योंकि सब जनता को पता है कि पिछले 4.5 सालों में सेंटर सरकार ने और स्टेट सरकार ने क्या काम किया। 3 काम किए, सब लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने 3 काम किए, मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ। हिंद एक्सप्रेस के लिए रायपुर रानी से उमंग श्यारान की रिपोर्ट।